जय श्री राम आप सभी को। सुबह के 2 बज गए और मैं उठ गया हूँ क्योंकि 2 घंटे बाद निकलना है समिट के लिए। फ्रेश हो जाता हूँ फटाफट और ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश का मैंने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। मैंने पीछे वाली विंडो खोल ली है जो पीछे सीधे ऐसे खुलती है, यहीं से आज मैं ब्रश करने वाला हूँ क्योंकि बाहर चल रही है बहुत ठंडी हवा। अभी गर्म पानी से ब्रश व्रश करके पूजा करके फटाफट रेडी हो जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करके 4 बजे से पहले हमें यहाँ से निकल जाना है। 3 बजे हमें किचन में एक्यूरेट पहुंचना है और ब्रेकफास्ट करना है। पूजा हो गई है और मैं पहुंच गया हूँ अभी डाइनिंग में। ब्रेकफास्ट लग गया है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और दलिया बनाया है। इसके साथ मैं कॉफ़ी और चॉकलेट भी लूँगा। कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, कॉफ़ी के साथ दलिया खाऊं, टमाटर खाऊं या फ्रूट खाऊं। पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कॉम्बिनेशन, बट ऐसी चीज़ें पहाड़ों में होती रहती है। तो यहाँ स्वाद नहीं, एनर्जी देख रहा है किस चीज़ से क्या एनर्जी मिलेगी। लो तो मैं हो गया हूँ तैयार, डांग रिपेयर लिए जाटा तो चारों बलना बांध जाएगा पर मेरे घर में नहीं आओगे। जरूरी है भाई ठंड होगी। मैं सारे इक्विपमेंट्स पहन के हो गया हूँ रेडी, बस अभी गर्म पानी की बोतल उठानी और निकलना है। 5050 मीटर पे पहुंच गए हैं। अभी मैं टॉयलेट करने गया, बड़ा ही मुश्किल काम हो गया क्योंकि इतना सारा ताम झाम खोलना और फिर टॉयलेट जाना। सारी इंटरनेशनल टीम यहाँ पहुंच चुकी है, रेस्ट कर रहे हैं 5 मिनट्स का और फिर निकलेंगे ऊपर। जो नीचे छोटी छोटी लाइट जलते हुए देख रहे हो वो है बेस कैंप। सुबह के 5 बज गए हैं करेक्ट, काफ़ी हाइट तक पहुंच गए हैं तो सोचा बीच में थोड़ा सा आपको दिखा दूं, लेकिन शायद आप देख पा रहे होगे ये जो बर्फ़ उड़ रही है, मतलब ठंडी हवा चल रही है और बेस कैंप से काफ़ी हाइट गेन कर ली है और ये आगे जा रही है इंटरनेशनल टीम। दिखाता रहूँगा बीच बीच में। जय श्री राम। दिन निकल गया, व्यू देखो कितना प्यारा है। कैमरा चलाने के लिए ग्लव्स भी उतारना पड़ रहा है, बट वीडियोग्राफी भी जरूरी है। लगभग 5100 के आसपास है क्योंकि मैं बिल्कुल जैकेट ऊपर करके घड़े में नहीं देखना चाहता कितने मीटर ऊपर आ लिया, क्योंकि मेरा टारगेट टॉप है। सुना होगा ना चिड़िया की आंख। अभी अभी घर बात की है, चांदनी से बात होगी, भाभी जी से भी हो गई, अन्नू के पापा से बात हो गई, उमेर भाई साहब से अन्नू की भी बात करवा दी है। अन्नू देखो कितना बढ़िया चल रही है, बट भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। वीडियो बनाने के लिए उंगली देखो कैसी, टमाटर से ना गिरी टपकन लग रही नीचे। रिज पे है, हेलो जून माय ब्रदर यू आर डूइंग वेल, हे अनु बोल जय श्री राम। या जून जय जय श्री राम। यस हम अभी रेस्ट, हमारा पहला रेस्ट पॉइंट आने वाला है, हाथ जम रहे हैं, कैमरा बंद कर रहा हूँ गिरेगा फोन। सूर्यदेव आ चुके हैं, ये मेरे पीछे पहली किरण आप देख सकते हो एल्ब्रुस रिज पे। अभी मैं अपना हेडलैम्प उतारने के लिए रुका था तो सोचा व्यू दिखा दूं। सांस भी जाऊंगी। मैं लेके आया था नीचे से हॉट चॉकलेट अपनी थर्मस में डाल के, और ये लो हॉट चॉकलेट रेडी हो गया। और इस हाइट पे एक सेकंड भाई ग्लव्स निकल जा रहे, इस हाइट पे हॉट चॉकलेट नया जीवन है, नयो जीवन का तीज जिसने गाय करे ना, के करूं
और चॉकलेट रेडी हो गए, अन्नू ने पियो गरम पानी, मैंने कही और चॉकलेट पी लेने, ना मारते वक्त पीऊंगी मैं, कोई ना मैं लू खेच के। मैं पहुंच गया हूँ दूसरे रेस्ट पॉइंट पे और इंटरनेशनल टीम स्टार्ट कर चुकी है, मेरी टीम ये है। अनु या नमस्ते, और रात को ज़्यादा सो नहीं पाया, लगभग 12:15 बजे मैं अपने हट में पहुंचा क्योंकि प्लानिंग करनी थी सुबह की, और सुबह 2 बजे उठ गया तो सोचा थोड़ा फास्ट फास्ट चलता हूँ और तब तक मेरी सारी टीम पहुंचे मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, एक दो लटके ले लूँ नींद के, एक दो लटके ले लूँ नींद का तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा और चॉकलेट पी के फिर निकलूँगा ऊपर। यो रूट है, अभी फिलहाल हूँ 5,400 मीटर पे, अनु बेटी और असिस्ट गाइड मेरे आगे हैं। हेलो अनु बेट, पीछे मुड़ के हेलो कर बेटा, हेलो अनु, हेलो जोन। अभी 5,400 मीटर पे पहुंच गए हैं, सूर्यदेव आ चुके हैं, ठंड कम हो गई है, ग्लव्स वगैरह बदल लिए हैं, बस थोड़ा सा बचा है 250 मीटर के आसपास और फिर पहुंचेंगे टॉप पे। यहाँ से फिक्स रोप स्टार्ट होती है, कई देर तो बहुत जोर की टॉयलेट आ रही है, पर क्या करूँ, ताम झाम उतारना पड़ेगा जब जाकर कहीं टॉयलेट कर सकूँ, लेकिन ये बात पार हो गई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी टीम साइड में हो गया हूँ और इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर चला जावे फिर मैं टॉयलेट करूँ। हम 5,450 मीटर पे हैं और हमें एक यहाँ रशियन क्लाइमर मिला, मेरा असिस्ट गाइड जोन, और मैंने इसकी मदद की क्योंकि इसका हार्नेस खुल चुका था और एनर्जी फुली लॉस थी, और समझ सकते हो ना कि अकेला रह गया था बता और काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन अब हमने इसको बिल्कुल फिट और फाइन कर दिया। अभी थर्ड रेस्ट के लिए रुका हूँ और हाइट है 5,450 मीटर, 5,450 मीटर पे हूँ, लेकिन व्यू बड़ा सुंदर है, दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता ऊपर सीधा एल्ब्रुस, सामने जो पोल देख रहे हो 5,500 मतलब 50 मीटर ऊपर, और कितना सुंदर व्यू है। अभी थोड़ा कुछ लिक्विड लेके और निकलता हूँ ऊपर की ओर। अभी पहुंच गए 5,600 मीटर पे और पूरी टीम कर रही है रेस्ट, ओनली थोड़ा सा बचा है। हाउ मच मीटर वी लेफ्ट, ओनली 5,600 only, how much left? 5,600 and? How many meters left? 250 meters. Only 250 meter बचा है। हम बहुत ही पास में हैं और full of energy हैं, energy पूरी भरी हुई है। अनु, भारत माता के वंदे, जय जय श्री राम। कौन? सामने टॉप है, 10 मिनट बाद टॉप पे, ये हमारा लास्ट और फाइनल रेस्ट है, इसके बाद सीधा टॉप पे और फिर फटाफट नीचे, जल्दी नीचे पहुंचते हैं फिर निकलते हैं 10 कोल के लिए। हेलो जॉन, हाउ इज योर फीलिंग? आई एम फाइन। यस गुड। आज 25 सितंबर है, यहाँ पे 11 बजने वाले हैं, लगभग 15 मिनट बाकी है और मैं एल्ब्रुस टॉप पे हूँ। बोलो जय जय श्री राम। आज 25 सितंबर
10 बज के हो गए हैं 47 मिनट और मैं पहुंच गया हूँ यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर। इसको मैंने पहले गर्मी में फतेह किया था, अब आप लोगों के प्यार और महाकाल और राम जी के आशीर्वाद से दोबारा विंटर में क्लाइम करने का मौका मिला है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिसेंड करना शुरू कर दिया है भाई, 2 घंटे के आसपास तो लगेंगे ही, पर महाकाल और राम जी की कृपा, थकान नहीं हुई। आप सब लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, ऐसे सपोर्ट करते रहो, बड़ा मजा आता है। फिर तो विरोधियों से भी लड़ने में मजा आता है, तब आप सब लोगों का प्यार मिलता रहता हूँ। पता है मैं विरोधियों से मोटिवेट होता हूँ, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन विरोधियों से ज़्यादा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। रेस्ट ले लिया है, जहाँ जाते वक्त लिया था। ये सीधा रास्ता नॉर्थ रूट को जाता है। अनु बेटी ने और मैंने पिया है हॉट चॉकलेट, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी लॉस हुई है। जॉन भाई ने पिए ग्रीन टी, और अभी हम फास्ट जल्दी से नीचे जाएंगे। हाँ, डिसेंड करते करते 5000 मीटर पर पहुंच गया हूँ। बेस कैंप बस थोड़ा सा बचा है, जल्दी बेस कैंप पहुंच जाऊँगा, फिट और फाइन हूँ। फाइनली पहुंच गए बेस कैंप। बेस कैंप पहुंच गए, बस समय इसलिए लगा कि रास्ते में स्नोफॉल शुरू हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर मौसम ठीक है। तस्कोल आ गए हैं, मैं फ्रेश अप हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए, स्मेल आ रही थी, 5 दिन हो गए, लेकिन यहाँ भी मौसम ख़राब चल रहा है, काफ़ी ठंड है, भूख लग रही है बहुत तेज़। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाद की बाद में देखेंगे।